जाओ बालवीरा। शौर्य, जब से मेरी प्राण ज्योत वापस आई है तब से हमने बुराई को कड़ी टक्कर दी है, और इस समय भी एक ग्रह को रे और उसकी गैंग से बचाकर अच्छाई का कैंडल जलाकर लौटे हैं। लेकिन एक समस्या है, रे ने हम पर हमला करते समय एक जहरीला धुआं छोड़ा था जिसका असर हमें अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ शौर्य, क्या उस जहर का कोई इलाज है? मामूली उपचार से थोड़े समय के लिए तो इस जहरीले वाष्प से आराम मिल जाएगा तुम्हें, पर मैं तुम्हारे अंदर से इस जहर का असर जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम दोनों को महासुरक्षा कवच में रखना चाहता हूँ। महासुरक्षा कवच? हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, हमें महासुरक्षा कवच की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ, पर आने वाले कुछ दिनों में ग्रह और नक्षत्र की दशा अच्छाई और सच्चाई के पक्ष में नहीं है। उस समय अच्छाई की शक्तियां अपने न्यूनतम स्तर पर होंगी और बुराई का छोटा सा वार भी अच्छाई के लिए प्राण घातक हो सकता है। ठीक है शौर्य, जब तक ये कवच तुम्हारे ऊपर है रे और उसके साथियों का कोई भी प्रहार तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ शौर्य, अब हम सुरक्षित रहेंगे, पर हमारे होते हुए धरती पर बुराई सुरक्षित नहीं रहेगी। यस, पर बुराई को हर कदम पे अच्छाई का सामना करना होगा और अच्छाई के आगे घुटने टेकने होंगे। तुम कांप रहे हो? कांप रहा हूँ, और वो भी मैं? नहीं नहीं, पता नहीं आज शिंगदाई में ठंड क्यों पड़ गई है। ठीक है, तो जाओ जाके पूछो रे से, उसने क्या सोचा है बालवीरों से निपटने के बारे में। ए, बिरबा नाम है तेरा, मुझे ही पसंद है, काम है तेरा, ये कब से हो गया? अरे मुझे क्यों फंसा रही हो? क्यों डरते हो? अरे डरता नहीं, मारता हूँ। मेरा मतलब है मरना है क्या इस समय रे से पूछ के? गुस्सा देखो उसका। ठीक है, मैं ही पूछ लेती। अरे मत जा, 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 अरे मत जा। क्या चाहिए? सुंदरी जी पूछ रही थी, यही जानना चाहते हो ना कि मेरे आगे का प्लान क्या है? अब मुझे मेरे लड़ाई के तरीके बदलने होंगे। कौन सा नया तरीका सोचा है तुमने? यही कि अब मैं बालवीरों पर अटैक नहीं करूंगा। क्यों? बुराई से संन्यास ले रहे हो? बहुत जल्द बालवीर पर अगला अटैक होगा, लेकिन वो अटैक मैं नहीं, कोई और करेगा। कोई और? तुम दोनों में से किसी का अंत होने वाला है? नहीं, नहीं, मतलब कोई जाएगा, कोई आएगा ना। या फिर कोई बुराई का साथी आने वाला है हमारी पलटन में, वो बालवीर के सामने टिक पाएगा या फिर घुटने टेक देगा तुम्हारी तरह। बालवीर पर अटैक करने वाला और उन्हें किल करने वाला एक पावरफुल लेकिन एक इनोसेंट जीव होगा।
इनोसेंट जी? अब बालवीर पर अगला अटैक करेगा साइबेरिया का हाथी। जम्बो सर्कस का स्पेशल अट्रैक्शन है ये साइबेरिया का हाथी और इसकी टिकट है 500 रुपीस पर पर्सन। पर हमारी तो पॉकेट मनी 200 रुपीस पर पर्सन है। तुम सब लोग सिर्फ सोचते रहो और हमने तो एयरपोर्ट पे देख भी लिया साइबेरियन हाथी को। देख लिया? हाँ। लगता है हमें भारत नगर के हाथी को ही देखना पड़ेगा। भारत नगर में भी हाथी आया है? हाँ। वो आपको कह रहे भैया है? ए, नहीं, 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 नहीं। वैसे तुम लोगों ने कहाँ देख लिया हाथी को? एयरपोर्ट पे। जैसे ही वो हाथी लैंड किया ना और उसे एक फीट की दूरी से देख भी लिया और हैंडशेक भी किया। यू मीन ट्रंक शेक? हाँ, वही वही। लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा ना विमान? तो एक काम कर, 500 रुपए की शर्त लगा ले। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये प्रूव कैसे करोगे कि तुम लोगों ने उस हाथी को देखा? हाँ, हम बता सकते हैं कि वो हाथी कैसा दिखता है। ऐसा है? I mean, ऐसा ऐसा दिखता है। अरे नहीं नहीं, उस हाथी के ऊपर एक काला तिल है, वो हम तुम्हें भी दिखा देंगे। अरे लेकिन सर्कस तो 2 दिन बाद है और हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है। You poor people. उस साइबेरिया के हाथी को सर्कस में ट्रक से लाया जाएगा और वो ट्रक अभी धाबे पे रुकने वाला है, तो हम वहीं जाकर देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। पर विवान, तुझे कैसे पता कि ट्रक धाबे पे रुकेगा? वो सुबह मैंने न्यूज में देखा था ना। अब जल्दी चलो उसके पहले कि वो ट्रक का ड्राइवर लंच करके चला जाए। ए गुड्डू, ये ले। चलो। अरे अरे अरे, विवान की पलटन कहाँ जा रही है? हाँ, साइबेरिया का हाथी देखने और बैट जीतने। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतने वाला है। चलो चलो। हमने तो एयरपोर्ट भी देख लिया था, तुम लोग ढाबे पे देख लिया था। भैया आई नो, अब आप यही कहोगे कि मैं बालवीर होकर शर्त लगा रहा हूँ। नहीं विवान, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शर्त लगाने के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों को फ्री में साइबेरिया का हाथी दिखाने ले जा रहे। जाओ जाओ, अपना ध्यान रखना। भैया रखूंगा, लेकिन टेंशन क्या है, हमारे ऊपर महाकवच जो है और अगर रे ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे बिना टिकट के रोलर कोस्टर की सैर करा लेंगे। विवान, महाकवच हमारी सुरक्षा के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाए बल्कि हमें और भी सावधान रहना होगा और रे के वार करने से पहले हमें उन पर खुद वार करना होगा। इसके लिए मैं एक यंत्र भी बना रहा हूँ। राइट लेफ्ट, तुम्हारे दोस्त आगे से लेफ्ट गए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ ठीक है। सो इसी ट्रक के अंदर है वो साइबेरिया का हाथी। वाओ, वाओ, ये तो हाथी की आवाज है। यार इस गेट पे तो लॉक लगा हुआ है, अब हम कैसे देखेंगे हाथी को? ओहो, हट। अरे अरे रिंकू, मैं ऐसा क्या देख लिया? तो चमकीली आंखें, अब तो पूरा हाथी देखने का मन कर रहा है विवान। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा शर्त जीतेगा कौन? इस गेट का लॉक खोलने का आइडिया हाथी की ट्रेनर के दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अरे दे, भारी भारी देखो, भारी भारी से देखो।
अरे अपना साइबेरिया वाला हाथी वो तो भूखा ही है। हाँ उसको भी केला खिला देते हैं लंच में हम। हाँ हाँ तुम चलो मैं लेके आता हूँ। अरे बच्चे, अरे बच्चों चलो हटो यहाँ से। अरे हटो, चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर्कस में आना तो टिकट लेके आओ पहले। चलो पीछे हटो। चिंटी ये हाथी तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। आउच, मेरा मतलब है तेरी तरह क्यूट लग रहा है। हाँ फिर ठीक है, टिकट लो बोल के यही पे दिखा दिया। वो भी एक पे फ्री। हाँ बट ये बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है ना? एक सेकेंड, इसके तो कितने बड़े बड़े हेयर है। बताओ किधर है तेरे? बताना। सारे झूठ मैं ही बोलूं, आप कुछ नहीं बोलोगे? कैसे दिखेगा जूते जो पहने? जूते? हाथी ने जूते पहने? अरे हाथी ने नहीं, चिंटू भैया ने। हाँ। दिल तो इनके पैर में। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि दिल कहाँ और किसके पैर में। सर हुआ ना आपको दर्द? ऐसा ही दर्द हुआ होगा मदर एलिफेंट को जब आपने उसी के सामने उसके बच्चे को मारा। माना कि जानवर है, अपना दर्द बता नहीं सकते, पर देखा अच्छे से सकते हैं। सर आपने एलिफेंट मेमोरी सुना है? देखिए मदर एलिफेंट की आंखों में आपकी फोटो आ गई है, तो अगली बार जब भी अब उसके बच्चे को छूने भी जाओगे ना, इस बार से भी ज्यादा दूर फेंकेंगे वो आपको। तो अगली बार थोड़ा प्यार से। मेरा प्लान तो विवान ने बता दिया। विवान ने कब? अभी कहा ना, एलिफेंट मेमोरी, माँ का गुस्सा, इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। बार किसी फूल को फूल खाते हुए देख रहा हूं। ये कोई मामूली फूल नहीं है, इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रहे जो भी रूप बदलो सोच समझ के, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक ही बार काफी है रे की जीत और बालवीर की हार के लिए। ये रे ही है विवान के रूप में। हाँ?
तुमने विवान का रूप क्यों लिया? हारने के बाद ये क्या बालवीर बनने का शौक चढ़ा है तुम पर? मतलब रे बनकर हार गए, अब बालवीर बन के हारोगे, अब क्या नाम डुबाओगे बालवीरों का? विवान को फंसाने के लिए और जीतने के लिए हमें दुश्मन को अलग करना पड़ता है, इसलिए दोनों बालवीर पे मेरा अटैक भी अलग अलग होगा। और आज मेरा पहला अटैक होगा विवान पे। अच्छे से देखो मुझे, मेरा ये चेहरा अपने एलिफेंट मेमोरी में स्टोर कर लेना, क्योंकि यही वो चेहरा है जो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। बच्चे वापस चाहिए तो आके ले जाना, और अच्छे से देख लो मुझे, भूलना नहीं ये चेहरा जो तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे से अलग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा ये बच्चा छीन रहा है। भैया साइबेरिया का हाथी था वो, इतना गुड लुकिंग था कि क्या बताओ, और उसका बेबी एलिफेंट वो तो और भी ज्यादा क्यूट। भैया हाँ, आपको भी होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं विमान, जब सर्कस स्टार्ट होगा तब देख लूंगा, लेकिन आज का पूरा दिन तो इस यंत्र को बनाने में चला गया। ये यंत्र हमें आने वाले हर खतरे से पहले सावधान कर देगा। यानी कि मैच के पहले ही सेंचुरी, लेकिन ये थर्ड अंपायर काम कैसे करेगा? विमान भारत नगर पर जैसे ही कोई खतरा आने वाला होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। लाइक रेड अलर्ट? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रे ने हम पर हमला करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर सोच ली होगी। अब मेरे इस मैजिकल रेज वाली वॉल से इस बेबी एलिफेंट की आवाज तो क्या, इसकी सुगंध भी इसकी गुस्सैल माँ तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसकी गंध नहीं सूंघ पाएगी तो वो हम तक क्या, अपने बच्चे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे साफ साफ बता दो ना कि अगर इसकी माँ को यहाँ नहीं लाना तो इसके बच्चे को यहाँ पर क्यों रोका है खाने पीने का खर्चा बढ़ाने? देखो देखो, मैं अपने खाने पीने में से एक दाना भी नहीं देने वाला। चुप, ए चुप, तुम्हें चुप रहने को कह रहा है? तुम्हें कह रहा हूं मैं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इसकी माँ गुस्से में ढूंढते हुए यहाँ नहीं बल्कि भारत नगर जाए। और जैसे कि उसने रे को विवान के रूप में देखा है, वो रे पे नहीं विवान पे हमला करेगी अपना बच्चा वापस लेने के लिए। राइट। अरे क्या राइट? इसकी माँ को भारत नगर भेजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाओगे या मोबाइल वाला जीपीएस? हेलो मम्मी जी, भारत नगर पहुँचने के लिए दाएं मुड़िए, अब सीधा चलिए।
क्षमा कीजिए, आपकी मंजिल भारत नगर पीछे रह गई, दाएं मुड़िए। हो गया, पहुंच गया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, वो खुद ढूंढेगी। इस बॉटल में इस बेबी एलिफेंट की खुशबू है, जिसे मैं जाकर पूरे भारत नगर में फैला दूंगा। फिर इसके गुस्से से भरी हुई माँ सीधा भारत नगर पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही वो भारत नगर आएगी, विवान उसके सामने हीरो बन के आ जाएगा, इस बात से अनजान कि उसकी माँ की आंखों में उसी का चेहरा छपा हुआ है। और वो विवान को अपने बच्चे का चोर समझ के उस पर अटैक कर देगी, और विवान का उस अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा।